विद्युत जामवाल उन एक्टर्स में शुमार हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है। इसके बावजूद उसने इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया। इसमें कोई शक नहीं कि वो टैलेंट की खान हैं। इसके बावजूद विद्युत अभी तक वो जगह नहीं बना सके हैं जिसके वो असली हकदार हैं। वरना फिल्मों में स्टंट खुद करने के दावे तो हर एक्टर करता है, लेकिन उसकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। लेकिन विद्युत और उनके हुनर को देखकर शायद ही कोई इससे इनकार कर सके कि उनकी फिल्मों में स्टंट खुद वही करते हैं जिसने 3 साल की उम्र से ही कलारीपट्टू सीखना शुरू कर दिया हो, जो मार्शल आर्ट का उस्ताद हो, भला उसे बॉडी डबल की जरूरत पड़ेगी भी क्यों। यकीन मानिए, आज की तारीख में उनसे बेहतर एक्शन हीरो शायद ही कोई हो। इसके बावजूद वो काफी लो प्रोफाइल रहने में यकीन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम विद्युत जामवाल से जुड़ी तमाम ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्युत जामवाल का जन्म 10 दिसंबर 1981 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। विद्युत कश्मीर के राजा डोगरा राजपूत महाराज हरि सिंह के वंशज हैं। उनके पिताजी सेना में नौकरी करते थे। इसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई देश के अलग अलग शहरों में हुई। जब वो महज 3 साल के थे तब केरल के पलक्कड़ आश्रम में उन्होंने कलारीपट्टू सीखना शुरू कर दिया था। कलारीपट्टू का विकास केरल में हुआ और ये दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक युद्ध कला मानी जाती है। यही नहीं, इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। इस आश्रम का संचालन इनकी माँ ही किया करती थी। आगे चलकर उन्होंने मार्शल आर्ट्स में भी महारत हासिल की। यही नहीं, विद्युत अब तक 25 से ज्यादा देशों में लाइव एक्शन शो में भी परफॉर्म कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल में इनका नाम दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट में शामिल है। साल 2021 में खुद विद्युत ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें उनका नाम जेट ली, जैकी चैन, ब्रूस ली से भी ऊपर था। साल 1996 में विद्युत जामवाल ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि मॉडलिंग में वो कुछ खास सफल नहीं रहे, फिर उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया। साल 2011 में रिलीज हुई तमिल फिल्म शक्ति से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ। इसी साल फिल्म फोर्स से उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा। फिल्म में वो जॉन अब्राहम के अपोजिट नेगेटिव किरदार में दिखे। फिल्म में उन्होंने ऐसे हैरतअंगेज एक्शन सीन किए कि दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन विद्युत के करियर में खास मोड़ आया उनकी अगली ही फिल्म से। फिल्म कमांडो अ वन मैन आर्मी में लीड रोल में कमांडो बने विद्युत ने ऐसे हैरत अंगेज एक्शन किए कि लोग हैरान रह गए। फिल्म की खास बात ये थी कि फिल्म में अपने सारे स्टंट्स विद्युत ने खुद ही किए थे। उनका गठीला बदन और उभरे हुए मसल्स उनके स्टंट्स को विश्वसनीय भी बनाते हैं। जुलाई 2013 में मॉन्ट्रियल में हुए फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने उन्हें ब्रूस ली की टक्कर का बता डाला। हालांकि बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कमाई के मामले में बिलो एवरेज ही रही, लेकिन विद्युत ने जोरदार एक्शन से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह जरूर बना ली। इसी साल उन्होंने बुलेट राजा में सपोर्टिंग रोल निभाया, लेकिन इसके बावजूद उनका करियर उस तेजी से नहीं बढ़ा जितनी उम्मीद खुद विद्युत और उनके फैंस भी कर रहे थे। बुलेट राजा के बाद लगभग 5 साल तक वो खाली हाथ रहे। उनके जैसे टैलेंटेड एक्टर के पास एक भी फिल्म का ऑफर नहीं था। बुलेट राजा के बाद उनकी अगली फिल्म आई साल 2017 में, वो भी कमांडो 2। अब क्योंकि वो पहले ही कमांडो में इतना असर छोड़ चुके थे कि कोई और करणवीर सिंह डोगरा का किरदार निभा ही नहीं सकता था। एक तरह से कहें तो कमांडो 2 के लिए विद्युत जामवाल फिल्म मेकर्स की पसंद भी थे और मजबूरी भी। हालांकि फिल्म उनके फैंस को जरूर पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़े इसे भी फ्लॉप ही बताते हैं। इसके बाद इनकी कई फिल्में आईं, लेकिन अफसोस ज्यादातर फ्लॉप ही साबित हुईं। हालिया रिलीज क्रैक भी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम ही साबित हुई थी। विद्युत जामवाल का इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है। इसका दर्द भी विद्युत जामवाल की बातों में छलक ही उठता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो लोग इंडस्ट्री से हैं, उन्हें उसका फायदा जरूर मिलता है। शायद यही वजह है कि बड़े बैनर्स ने उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखी। हालांकि उनकी एक कमजोरी भी है और वो है उनकी एक्टिंग। उनकी फिटनेस कमाल की है, स्टंट बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन बात जब एक्टिंग की आती है तो वो फीके पड़ जाते हैं।
एक इंटरव्यू में विद्युत से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरी बेबाकी से कहा कि वो तो एक्शन करते हैं, अगर थोड़ी बहुत एक्टिंग हो गई तो वो बोनस है। अब सवाल लाजमी है कि बिना एक्टिंग के कोई भला कितने दिन तक इंडस्ट्री में टिक सकता है। हालांकि इसी इंडस्ट्री में तमाम स्टार्स किड ऐसे भी हैं जो केवल बढ़िया डांस और एक्शन के जरिए ही राज कर रहे हैं। विद्युत ने साल 2011 में अपने करियर की शुरुआत की थी। इतने सालों में वो लगभग 15 फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उनके खाते में एक भी हिट फिल्म अभी तक दर्ज नहीं है। वैसे विद्युत जामवाल चाहे अनचाहे विवादों में भी पड़ते रहते हैं। पिछले साल अपने बर्थडे पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कुछ फोटोज शेयर किए थे, जिसके बाद हंगामा हो गया था। असल में फोटोज में वो हिमालय की पहाड़ियों में दिखाई दे रहे थे। खास बात ये थी कि इन फोटोज में वो बिना कपड़ों के थे। इन तस्वीरों को लेकर वो खूब ट्रोल भी हुए थे, लेकिन अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि हर साल 8-10 दिन वो प्रकृति के बीच ऐसे ही रहते हैं। विद्युत जामवाल मोना सिंह को भी डेट कर चुके हैं, हालांकि दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिर साल 2021 में फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी से सगाई की, लेकिन दो साल बाद ही ये रिश्ता भी टूट गया। आपकी राय में विद्युत जामवाल कैसे एक्टर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है ये भी हमें बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।